नेक्स्ट इज़ टॉर्क, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टीजियन टर्म्स में निकालेंगे, ठीक है. नाउ कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m हेयर. आपने एक्स वाई प्लेन लिया, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस. एक पार्टिकल लिया यहाँ पर पी पोजिशन पर, इसका यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस क्या कहलाता है, किसी भी पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या कहलाता है, पोजिशन वेक्टर. तो ओ पी इज, सपोज इट इज़ आर वेक्टर. कंसीडर ओ पी इज़ आर वेक्टर. कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास एम रोटेटिंग इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है. चलिए नो वर्क डन. मान लो आप इसको रोटेट करवा रहे हो, आप इस पार्टिकल को ऐसे रोटेट करवा रहे हो, कितने एंगल से, डी थीटा एंगल से. ऐसे था ना पार्टिकल, ऐसे पड़ा हुआ, आप इसको ऐसे रोटेट करवा रहे हो यहाँ पर. तो लेट वर्क डन, अब आपको उसको रोटेट करवाना, तो नीड टू डू सम वर्क. कितना वर्क डन करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, एफ इन टू डी आर. सपोज आपने अभी लीनियर, आपने एंगल की कोई बात नहीं की, अभी आप सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में जानते हो. लीनियर मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ वैक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वैक्टर. आपने फोर्स किधर लगाई है, देखो ये आपने, ये पार्टिकल था, आपने इस पर ऐसे, यहाँ पर पार्टिकल पड़ा है, आपने इस पर ऐसे फोर्स लगाई और इसको कहाँ ले गए, डी आर डिस्प्लेसमेंट यहाँ ले गए. तो एफ वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर. ना एफ वैक्टर कैन बी रिटन एज, एफ वैक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, ये एफ वैक्टर था, इसके दो कॉम्पोनेंट ले लो एफ एक्स और एफ वाई. तो एफ वैक्टर कैन बी रिटन एज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप लिख सकते हैं, है ना. जैसे सपोज ए वेक्टर आपके पास ये है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, तो ये 2 है और ये क्या हो जाता है 3, है ना, यही होता है ना. तो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज 2i कैप + 3j कैप लिख सकते हैं ना ऐसे. तो ये ऐसे एफ वेक्टर को मैं लिख दिया एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे कैप. सिमिलरली डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, डी आर के दो कॉम्पोनेंट्स लो, कौन कौन से होंगे, एक डी एक्स और दूसरा क्या होगा डी वाई, है ना. डी आर के दो कॉम्पोनेंट्स है डी एक्स और डी वाई. तो डी आर कैन बी रिटन एज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप. पुट कर दो एफ एफ की वैल्यू और डी आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप. डॉट प्रोडक्ट तुम्हें याद है क्या डॉट प्रोडक्ट का रूल था, आई कैप वाले कॉफिशेंट आई कैप से मल्टीप्लाई होंगे, जे कैप वाले कॉफिशेंट एक दूसरे से मल्टीप्लाई. तो आंसर क्या आएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई. तो आ गया आपके पास एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई. चलो अब हम बात करते हैं थीटा की. सपोज पी जो पार्टिकल था जिसका पोजिशन वैक्टर आपने आर लिया था, वो मेक, इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, ठीक है. अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स एंड वाई, दिस इज एक्स दिस इज वाई, है ना. एक्स कैन बी रिटन एज आर कॉस थीटा, कॉम्पोनेंट थीटा के साथ वाला कॉम्पोनेंट क्या होता है कॉस, और दूसरे वाला वाई कैन बी रिटन एज आर साइन थीटा. एक्स इज आर कॉस थीटा, वाई इज आर साइन थीटा. डिफ्रेंशिएट करो, डी एक्स बाई डी थीटा निकालो यहाँ से. आर कॉस थीटा का डेरिवेटिव था माइनस साइन थीटा, तो क्या आया आपके पास माइनस आर साइन थीटा. वॉट इज माइनस आर साइन थीटा, माइनस वाई, माइनस आर सी थीटा इज माइनस वाई. सिमिलरली डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से डी एक्स आ जाएगा, डी थीटा को इधर ले जाओ, माइनस वाई डी थीटा. ये आ गया आपके पास, डी एक्स इज माइनस वाई डी थीटा, है ना. चलो यहाँ से आ जाओ, वाई क्या था आर साइन थीटा, वाई क्या था आर साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा निकालो. आर एज इट इज, साइन थीटा का डेरीवेटिव क्या होता है कॉस थीटा, आर कॉस थीटा आ गया. वॉट इज आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इज एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आ गया एक्स. इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना, एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस वाई डी थीटा, माइनस वाई डी थीटा, प्लस प्लस एफ वाई एज इट इज, डी वाई की वैल्यू पुट करो, डी वाई क्या आएगा यहाँ से एक्स डी थीटा, पुट कर दिया हमने. क्या कॉमन लिया, डी थीटा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स. तो डी डब्ल्यू क्या आया, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स. देखो जब हम डी डब्ल्यू निकालते थे तो हम लिखते थे फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. अब रोटेशन में लिखने लगे हैं तो जो काम रोटेशन में लीनियर फोर्स करती थी वो क्या करती है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लगती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब थीटा या डी थीटा इंटू टॉर्क. ये होता है ना, ये फॉर्मूला होता है रोटेशन में, रोटेशन में, सॉरी डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू है ये, डी डब्ल्यू टाउ डी थीटा होगा. तो कंपेयर करो जो दोनों इक्वेशंस को, तो ये टॉर्क आ गई, ये टॉर्क आ गई, टाउ इज एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स. ओके जी.